थ्रेडिंग बनाने के लिए हमें किन किन धागों का इस्तेमाल करना चाहिए? जैसे कि थ्रेडिंग हम लोग जब बनाना स्टार्ट करते हैं तब ये कोई सा भी धागा उठा लेते हैं, क्योंकि थ्रेडिंग ही तो बनाना है, धागे से बनती ही है। तो आपको उसमें ये लगता है कि यार धागा ही है, बन जाएगा, लेकिन बहुत धागे से जो होता है ना, बहुत ज्यादा पेन भी होती है। ये अगर आप सही तरीके से धागा नहीं परचेस करोगे थ्रेडिंग के लिए स्पेशलिस्ट, तो वो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यार ये सही नहीं है और मुझसे बन नहीं रहा है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। और उसके साथ क्लाइंट्स भी आपको ऐसा फील कराती है जैसे कि आपको आता ही ना हो। बहुत लोगों को थ्रेडिंग बनाना बहुत अच्छे से आता है, बट वो धागे के जो परचेस करते हैं वो सही तरीके से नहीं करते, इसलिए उनका थ्रेडिंग का शेप भी बिगड़ जाता है और कट छिल भी जाती है, तो ये रेडनेस की भी चांसेस बहुत होती है। यहाँ यहाँ पे आप देखते हो ना, तो ये जो होता है बहुत पेनफुल होता है, बाद में ब्लैकनेस भी हो जाती है। तो यार आप लोग जब भी थ्रेड करते हो तो उसमें आप धागे का जो परचेस करते हो वो सही तरीके से करो, ओनली कॉटन धागा का इस्तेमाल करो। जैसे कि थ्रेड बनाने के लिए कॉटन सबसे सही होता है, और कॉटन धागा जो होता है स्पेशलिस्ट थ्रेडिंग धागा आता है मार्केट में, हर एक जगह अवेलेबल मिलेंगे। और मेरे यहाँ जो है थ्रेडिंग धागा दो वैरायटीज में आते हैं, एक वैनिटी एक ऑर्गेनिक। तो वैनिटी ऑर्गेनिक दोनों तो मैं नहीं यूज करती, एक ही यूज करती हूँ, लेकिन इन दोनों से कौन सा बहुत बढ़िया है मेरे लिए और थ्रेडिंग के लिए आप जो इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट आपको थ्रेडिंग बनाना है तो आप कॉटन धागा का ही इस्तेमाल करिए, कोई सा भी धागा आप यूज करें बट कॉटन होना चाहिए, प्योर कॉटन धागा ही आपके लिए सही है। थ्रेडिंग का शेप बहुत अच्छा आएगा, आपके हाथों पे बहुत अच्छा बैठेगा, तभी आप जो है थ्रेड का शेप कर पाओगे। ओके।